सीरियाईटी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन 14 जुलाई को करनाल में होने जा रहा है। भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा के अध्यक्ष प्रोफेसर जोगेंद्र मदान ने बताया कि राष्ट्रीय संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए यह राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय अधिवेशन एक ऐतिहासिक होगा, इसमें समाज से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी व प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 14 जुलाई रविवार को सेक्टर 9 स्थित पंजाबी बिरादरी भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 350 से अधिक डेलीगेट्स ने भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधि यहाँ पहुंचकर अपनी समस्याओं व विकास की गाथा के बारे में जानकारी साझा करेंगे। अधिवेशन के कार्यक्रम को 3 सत्रों में बांटा गया है, जिसमें उद्घाटन सत्र पर मुख्य अतिथि मनीष ग्रोवर, सहकारिता राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि देहरादून के विधायक व उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हरबंस कपूर होंगे और अंतिम सत्र में करनाल लोकसभा के सदस्य संजय भाटिया मुख्य अतिथि होंगे। यह कार्यक्रम करनाल में आयोजित हो रहा है, करनाल वासियों के लिए यह बड़े गर्व की बात है। क्या कार्यक्रम? भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा करनाल के अंदर सिराइकी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर रही है। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है जो कि करनाल की धरती पर होने जा रही है, तो गर्व की बात है। पर सबसे पहले पता होना चाहिए सिराइकी का अभिप्राय क्या है। देखिए, भारत के अंदर जो ब्रह्मपुत्रा है वो पूर्व की तरफ की सिरे की नदी है। ऐसे जो अखंड भारत था उसकी जो पश्चिम तरफ है वो सिंध नदी है। सिंध नदी के चारों ओर के जितने भी जिले थे और उनमें रहने वाले लोग, उन सबको सराइकी बोला जाता है। तो 1947 में बंटवारा हुआ, वहाँ से जब वहाँ के लोग आए वो खाली हाथ आए थे, परंतु यहाँ आकर उन्होंने मेहनत की और कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ चले। भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो उन जिलों से संबंधित बिरादरियों का एक इकट्ठ जो है वो करनाल में एक प्लेटफार्म पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा जो है उसमें डेरावाल, डेरा इस्माइल खां, इस तरह से झंग, इस तरह से मुल्तान, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, ये सारे लोग हैं, जो लैया वाले हैं, ये सारे लोग आएंगे और अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे और कुछ प्रस्ताव भी पास करेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। कब है ये? 14 जुलाई को पंजाबी बिरादरी भवन के अंदर है, परंतु इसमें जो एंट्री है, कोई बड़े नेता वगैरह कुछ आएंगे इसमें? मनीष ग्रोवर जी को मुख्य अतिथि हैं पहले सत्र के। दूसरे सत्र के जो हैं वो अपना हरबंस कपूर जी हैं, जो कि देहरादून के MLA हैं, उत्तराखंड के पूर्व स्पीकर हैं विधानसभा के, और संजय भाटिया जी जो हमारे सांसद हैं वो भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त और भी गणमान्य व्यक्ति। क्या नाम रखा गया सम्मेलन का? सराइकी राष्ट्रीय अधिवेशन, सराइकी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन।